नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड को एक बड़ा मुद्दा बना रखा है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कन्हैया लाला के हत्यारों का बीजेपी से लिंक है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है। मुख्यमंत्री रविवार को जोधपुर में थे, जहाँ उन्होंने कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बजाय अगर मामले की जाँच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप करती तो जांच के कुछ तार्किक परिणाम भी निकलते। कन्हैयालाल दर्जी का काम करते थे और उदयपुर के एक मार्केट में उनकी दुकान थी। बीजेपी की नेता रही नुपुर शर्मा के विवादित बयानों का उन्होंने कथित रूप से समर्थन किया था। कथित तौर पर इसी वजह से दो लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। तब सोशल मीडिया पर उन हत्यारों के बीजेपी से कनेक्शन होने के दावे किए गए थे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक तस्वीर के आधार पर दावा किया था, जिसमें कथित बीजेपी नेता इरशाद चैनवाला, मोहम्मद ताहिर और राजस्थान सरकार में मंत्री रहे गुलाब चंद कटारिया नजर आ रहे थे। इस हत्या के मामले में धान मंडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में इसे 29 जून 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फिर से केस दर्ज कर जांच को टेक ओवर कर दिया था। अशोक गहलोत ने मामले में NIA की संलिप्तता भी टिप्पणी की थी। बता दें, उन्होंने NIA की कार्यवाहियों के बारे में कहा था कि राज्य पुलिस ने मामले को आगे बढ़ाया होता तो दोषियों को पहले ही न्याय के कटघरे में लाया जा चुका होता।